नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी अपनी काजल चौधरी मैम और आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ योगेश त्यागी जी से। तो इनकी मेहनत का सफर इनकी खुद की जुबान से, इनके खुद के पूरे परिश्रम की जो कहानी है हम इनसे ही सुनना चाहेंगे। योगेश जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जैसा कि आपने बता ही दिया मैम, मेरा नाम योगेश त्यागी है, मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। और जब मैंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया उस समय मैं बिजी था क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रहा था। और जब मेरा एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद जब मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे पास बोर्ड क्लास भी थी और भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाता था मैं, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट करके मैंने टीचर्स अड्डा 24/7 को ज्वाइन किया और वहाँ सभी की वीडियो वगैरह देखी मैंने और मैंने वहाँ से ऑनलाइन प्रिपरेशन की और यूथ से मैंने अपने प्रैक्टिस सेट लगाई। तो मैंने बुक को न पढ़ने के बजाय मैंने डायरेक्ट सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से की, टीचर्स अड्डा 24/7 से। ठीक है, तो योगेश जी हम आपके नंबर जानना चाहते हैं कि आपका सीटेट फर्स्ट क्लियर है, सीटेट सेकंड क्लियर है, अपना थोड़ा सा बताइए रिजल्ट के बारे में। मेरे मैम दोनों टेस्ट क्लियर हैं, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं। बीएड भी मेरा दिसंबर में ही रिजल्ट आया था और उसके बाद जनवरी में मेरा सीटेट का एग्जाम हुआ था। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हैं। पेपर 1 में मेरे 111 मार्क्स हैं और पेपर 2 में 102 मार्क्स हैं। तो देखिए इन्होंने एक ही बार में दोनों पेपर क्लियर करे हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। योगेश जी थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि आप मतलब जैसे बीएससी हैं, बीए हैं, बीएड तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने बीएड करा है, लेकिन क्या आपका बैकग्राउंड साइंस से था, कॉमर्स से था, आर्ट्स साइड से था, क्या था? जी मैं ग्रेजुएशन मेरे पास पीसीएम सब्जेक्ट थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मेरा बैकग्राउंड मैथ्स एंड साइंस से है। और साइंस में सबसे बड़ी मुझे हेल्प मिली मैम से, हेल्प मिली, मैंने मैम की सारी वीडियो देखी। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास समय भी इतना नहीं था कि मैं तैयारी प्रॉपर कर पाता, और मैंने केवल सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला और टॉपिक वाइज मैंने सारी मैम की वीडियो देखी और पूरा का पूरा एजिटिस उसी से मेरा प्रिपरेशन हुआ। बहुत फास्ट प्रिपरेशन मतलब जो है तैयारी हो गई और अच्छे नंबर आए मेरे। देखिए ये तो टीचर का एक कार्य होता है कि मतलब सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाना। वो मैं बार बार हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी से कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। क्यों योगेश जी, आप भी जैसे कि आपने बताया आप टीचिंग करते हैं, योगेश जी तो आप किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? 9 to 12 योगेश जी पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट क्या रहता है आपका? सब्जेक्ट इंग्लिश मैम। इंग्लिश पढ़ाते हैं लेकिन पीसीएम से थे तो मतलब साइंस की भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो योगेश जी बहुत सारे चैलेंजेस जैसे आते हैं, जैसे हमें पढ़ाते हुए आते हैं बहुत सारे, जब बच्चे होते हैं हमारे सामने तो हम हर एक बच्चे के हिसाब से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है कि उनको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं करनी, तो आप कैसे उन्हें मोटिवेट करते हैं? जैसे मैं तो डांट देती हूँ, मोटिवेशन ज़्यादा मोटिवेट होने के बाद मैं डांट लगा देती हूँ कि चुपचाप पढ़ लो, सिलेक्शन होना चाहिए। आप किस प्रकार से बच्चों को टैकल करते हैं? मैं ये देखता हूँ कि बच्चा किस चीज़ की वजह से उस प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, किस चीज़ का कहाँ उसमें कमी है, उस कमी को फाइंड आउट करता हूँ, फिर बच्चे को जहाँ उस कमी होती है वो कैसे सुधारी जाए उसके लिए मैं बच्चे को मोटिवेट भी करता हूँ, साथ में उसकी तैयारी भी करवाता हूँ। इस तरह से मैम बच्चा तैयार कर लेता है। इस तरीके से बच्चा पूरी तैयारी कर लेता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। योगेश जी अपनी थोड़ी हॉबीज़ के बारे में बता दीजिए क्योंकि आप बहुत स्टूडियस लग रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, तो कहाँ समय मिल पाता होगा अपनी हॉबीज़ के बारे में? वैसे तो मैम समय बहुत ही कम मिल पाता है जी। फिर भी मेरी अगर मैं पैशन और हॉबी की बात करूँ तो टीचिंग ही मेरी हॉबी और दोनों ही ये पैशन भी है, प्रोफेशन भी है मेरा ये। और क्योंकि मैं मीटिंग्स ज़्यादा अटेंड करता हूँ, मुझे नई नई जगह पर ज़्यादा नए नए प्रोग्राम्स अटेंड करना, नए नए लोगों से मिलना, ये मेरी मैम हॉबी है। बहुत ही अच्छी हॉबी, मतलब कुल मिलाकर आप इनकी जो हॉबीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली जुड़ती हमें नज़र आ रही हैं। ये किसी भी प्रकार से कोई भी वक्त का बर्बादी नहीं पसंद करते हैं, बल्कि वक्त बर्बाद करते ही नहीं है क्योंकि जगह भी ऐसी जाते हैं जहाँ पर इन्हें शायद से कुछ पढ़ने लिखने रिलेटेड ही चीज़ें पता चले। योगेश जी थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए कि मतलब जैसे कि हम होते हैं, मैं क्या थी, मैं पढ़ते समय तो पढ़ती थी लेकिन मैं पूरे बाद में खूब इंजॉय करती थी, आप पढ़ने से पहले खूब इंजॉय करती थी, तो आपका कैसा माइंडसेट रहा है हमेशा से कि केवल पढ़ना है कि पढ़ाई के साथ खेल कूद, म्यूजिक, संगीत, कुछ और भी? जब मेरा एग्जाम का टारगेट होता है मैम उस समय मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बाकी चीज़ें भी करता हूँ लेकिन बाकी चीज़ों को फिर कम कर देता हूँ, एग्ज़ाम पर फिर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और अदरवाइज़ फिर दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम को ज़्यादा समय दिया जाता है, हालांकि अदर एक्टिविटी भी करता हूँ लेकिन उनको कम समय देता हूँ मैं। अच्छा योगेश जी, जैसे हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल होता है जिसे देखकर हमारे अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आती है ना, जब हम पढ़ाते हैं इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो मैं आपसे बेसिकली इंटरनल मोटिवेशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसे इंसान है जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगा कि भाई ये ऐसे हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता,
होता है ना, किसी किसी को हम देखकर सोचते हैं कि भैया इसने ये कर लिया तो हाँ भाई मैं भी सीटेट का पेपर क्लियर करूंगा या करूंगी, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन था जिसकी वजह से आप बहुत प्रभावित हैं, उनका प्रभाव है आप पर? वैसे मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूँ तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से बहुत प्रभावित हूँ। जब उनको एक्सपायर होने का उनकी बायोग्राफी आई, तो बायोग्राफी जब मैंने पूरी देखी, फिर उसके बाद मैंने पढ़ी भी उस बुक को मैंने, तो उनका जैसा स्ट्रगल रहा है, जिन परिस्थितियों में वो रहे हैं, उतनी डिफ़िकल्ट परिस्थिति हमारी तो है नहीं, तो जब वो इतना आगे जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। अगर मैं सीटेट एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैम से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है, क्योंकि मैम की भी लाइफ उस तरह से रही है, सक्सेसफुल लाइफ रही है, और मैम का पढ़ाने का तरीका भी इस तरह का है कि वैसे साइंस से मैं हट चुका था क्योंकि मैं इंग्लिश टीचिंग कर रहा था, साइंस से मैं हट गया था और मेरे लिए जीरो भी थी जब मैंने पैटर्न देखा साइंस का सीटेट का। लेकिन जब मैंने मैम की क्लास ज्वाइन की तो बहुत ही इंटरटेनमेंट तरीके से मैम ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया था। देखिए ये तो आपका बड़प्पन है, एक टीचर टीचर की तारीफ करता आपको सामने से आज दिख रहा होगा क्योंकि ये भी टीचर है, हम भी इनको टीचर ही बोलना चाहेंगे। और कुछ आप क्या कहना चाहेंगे टीचर्स अड्डा 24/7 के बारे में? अगर हमें कम समय में ज़्यादा सक्सेस हासिल करनी है, अगर हमें एग्ज़ाम है और कम समय मिल पा रहा है, तो बेहतर है कि हम टीचर्स अड्डा 24/7 की सारी वीडियोज़ देखें, सब्सक्रिप्शन वगैरह लें। उससे क्या होता है कि ये क्रीम तैयार करनी होती है हमारी, वो मेहनत बढ़ जाती है जो हम पढ़ करके हाईलाइट करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, और हमारे जो टीचर्स होते हैं अड्डा 24/7 वो मेन पॉइंट्स ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका पर डे का काम यही है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ अक्सर एग्ज़ाम में आती है वो उसी को पढ़ाते हैं, तो हमारी वो एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती है और हमारा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना रह जाता है। बिल्कुल सही। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर चुके हैं, जो बहुत सारे असफल भी होंगे है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करने की सोच रहे होंगे, तो देखिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अपने बेसिक से अपनी कमियों से स्टार्ट करिए। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती हम उसको छोड़ देते हैं। आपको वो चीज़ें नहीं छोड़नी, आपको बल्कि ट्राई करना है कि आप उसको कैसे ठीक कर सके, सुधार कर सके, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक रह ही जाता है। जैसे मुझे मैथ्स से डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे मैथ्स में नंबर नहीं आते, मेरे मैथ्स में नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन मैथ्स में डर लगता है। तो एक जो डर होता है वो निकालना चाहिए। अब मैं भी इंस्पायर होकर आयुष सर से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। साइंस तो मुझे आती है, इंग्लिश हम योगेश जी से पढ़ लेंगे किसी और एग्जाम के लिए। तो योगेश जी इसके बाद क्या सपना है आपके लाइफ में? वैसे तो मैं साइंस का, जब से मैं आपसे पढ़ा तो मुझे साइंस बहुत क्रिएटिव लगने लगी, तो मैंने सोचा कि साइंस का मैं टीचर बनूंगा। अरे वाह। लेकिन जब मैंने उसका DSSSB के उसकी एलिजिबिलिटी देखी, तो उसमें हमारे पास ग्रेजुएशन में तीनों सब्जेक्ट साइंस के होने चाहिए। हाँ। ये सुन के मुझे, मतलब जान करके मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा अंदर से मन हुआ कि मैं अब साइंस का ही टीचर बनूंगा, क्योंकि उसमें जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और डेली लाइफ से रिलेटेड होता है बच्चे के से, तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है उसमें, बिल्कुल बोरिंग महसूस नहीं होती बच्चे को। तो क्रिएटिव तरह से हम पढ़ा सकते हैं बच्चे को, डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ा सकते हैं, और साइंस हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन का, उसकी वजह से मैं साइंस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं मैथ से आगे TGT करूंगा और उसके बाद नेट वगैरह करके PGT भी करूँगा। भाई वाह, इनके काफ़ी बड़े सपने हैं और हम इनको बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे, साथ ही साथ में मुबारकबाद भी देना चाहेंगे कि सीटेट में पहली दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका पेपर क्लियर हुआ है। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स के बहुत आभारी होते हैं जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जॉब भी करते हैं साथ में, और सबका नाम रोशन करते हैं, अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करते हैं और हमारा टीचर्स अड्डा का नाम भी रोशन करते हैं। एक आखिरी कुछ चुनिंदा लाइन है, किसी भी अपने फेवरेट टीचर के बारे में जो आप बोलना चाहें। मेरा फेवरेट टीचर वही जिसने मेरा इंटरेस्ट बदल दिया। मैं टीचिंग मैंने इंग्लिश से की, इंटरेस्ट मेरा लगभग इंग्लिश में ही रहा। साइंस से मुझे दूर दूर तक नफरत थी शुरू से, मजबूरी में एग्ज़ाम की वजह से प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, लेकिन एक ऐसे टीचर से मैं पढ़ा जिसके मेरा साइंस में इंटरेस्ट ही जाग गया, दैट इज़ काजल मैम। थैंक यू सो मच। और देखिए मैं बोलना चाहूँगी कि कल के दिन जब ये TGT PGT क्लियर करके आएंगे तो शायद मैं इनसे पढ़ रही होंगी इंग्लिश किसी अच्छे एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच। इनके बारे में और जानने के लिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो हम इनके बारे में, मैं तो इनको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनकी ले चुकी हूँ, अगर आपको भी इनके बारे में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच, नमस्ते, नमस्कार।